तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बीच में, जिनमें आप देख सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है माइक्रोमैक्स एन नोट 1, रेडमी 9 प्राइम, पोको एम टू प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो और रियलमी 7। और दोस्तों इंटरेस्टिंग यह है कि ये सभी फ़ोन्स आपको मिलते हैं 5000 mAh की बैटरी के साथ में। हालांकि यहाँ पर जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो हमें यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलती है, जैसे कि माइक्रोमैक्स एन नोट 1 हमें देखने को मिलता है 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। अगर हम बात करते हैं रेडमी 9 प्राइम की तो यहाँ पर भी 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन इनबॉक्स आपको 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन इस टेस्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 18 वॉट का फास्ट चार्जर। पोको एम टू प्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। Redmi Note 9 Pro में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, हालांकि जो बॉक्स में चार्जर है वो 22.5 वॉट का है। और अगर मैं बात करता हूँ Realme 7 की तो यहाँ पे 30 वॉट का आपको डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है इन सभी फोन्स में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन कितनी देर में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इन सभी फ़ोन्स को अपने चार्जर के साथ में, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुए हैं हमारे सभी फ़ोन्स चार्जर के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच को और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम इन सभी फ़ोन्स को 5 मिनट के बाद ऑन कर देंगे और हर 10 मिनट के बाद चेक करेंगे कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है। वैसे आपके अकॉर्डिंग कौन सा फ़ोन सबसे जल्दी चार्ज होने वाला है और कौन सा सबसे लास्ट में, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। चेक करते हैं कि आपके कैसे ठीक होते हैं या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। वैसे पहले 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों माइक्रोमैक्स का एन नोट 1 सबसे कम चार्ज हुआ है, जी हाँ 7%, रेडमी 9 प्राइम 11%, पोको एम टू प्रो 22%, 12% पे हमको देखने को मिल रहा है रेडमी नोट 9 प्रो, जबकि 19% पे हमको देखने को मिल रहा है रियलमी 7। चलिए अब चेक करते हैं कि 20 मिनट के बाद हमें यहाँ पर क्या और रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हो चुके हैं 20 मिनट कंप्लीट और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 16% पे है माइक्रोमैक्स एन नोट 1, 21% पे हमको देखने को मिल रहा है रेडमी 9 प्राइम, 44% पोको एम टू प्रो, 24% रेडमी नोट 9 प्रो और 42% पे हमको देखने को मिल रहा है रियलमी 7। तो सबसे ज़्यादा चार्ज हो चुका है पोको एम टू प्रो, जबकि 16% मतलब सबसे कम है माइक्रोमैक्स एन नोट 1। चलिए अब देखते हैं कि 30 मिनट के बाद हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। दोस्तों फोन्स को चार्ज करते हुए 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और 27% मतलब थोड़ा सा मुझे इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है माइक्रोमैक्स एन नोट 1 में, 32% रेडमी 9 प्राइम, 63% पोको एम टू प्रो, 37% रेडमी नोट 9 प्रो और 62% रियलमी 7। रियलमी 7 और पोको एम टू प्रो लगभग बराबर चार्ज हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि पहले कौन सा फ़ोन चार्ज होगा। तो चलिए अब चेक करते हैं 40 मिनट के बाद। दोस्तों फोन्स को चार्ज करते हुए हो चुके हैं 40 मिनट कंप्लीट और यहाँ पर हम देख सकते हैं 77% पोको एम टू प्रो, 78% रियलमी 7, 47% रेडमी नोट 9 प्रो, 42% रेडमी 9 प्राइम और सबसे कम अभी भी हमको देखने को मिल रहा है 35% माइक्रोमैक्स एन नोट 1। मतलब बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छा चार्जिंग स्पीड हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी सभी फ़ोन्स पे भी आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको रेडमी 9 प्राइम में भी देखने को मिल रहा है, रेडमी नोट 9 प्रो में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं। अब आप देख सकते हैं 50 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट फोन्स को चार्ज करते हुए, 45% माइक्रोमैक्स एन नोट 1, 51% रेडमी 9 प्राइम, 87% पोको एम टू प्रो, 57% Redmi Note 9 Pro और 91% पे Realme 7। अब Realme 7 Poco M2 Pro से आगे निकल चुका है, तो अब लगता है Realme 7 जो अपना कमिटेड टाइम है उसके अंदर ही अपने फ़ोन्स को 100% चार्ज कर देगा। चलिए चेक करते हैं। अब दोस्तों हम देख सकते हैं 1 घंटे के बाद 97% पे आ चुका है Realme 7, 93% पे है Poco M2 Pro, 67% Redmi Note 9 Pro, 61% Redmi 9 Prime और 54% Micromax N Note 1। तो दोस्तों 1 घंटे और 5 मिनट के बाद, जी हाँ 65 मिनट, जहाँ पे Realme कहता है कि Realme 7 0 to 100% चार्ज हो जाएगा,
डॉट उसी समय में ये 100% चार्ज हो चुका है और इस समय पे पोको M2 प्रो था 96% पर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 1 घंटे और 10 मिनट के बाद 62% माइक्रोमैक्स इन नोट 1, 71% रेडमी 9 प्राइम, 98% पे आ चुका है पोको M2 प्रो और 77% पे है रेडमी नोट 9 प्रो। और दोस्तों 1 घंटे और 15 मिनट के बाद पोको M2 Pro भी 100% चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं सीधा 1 घंटे और 30 मिनट के बाद हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों 1 घंटा और 30 मिनट भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं 75% पे आ गया है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, 87% पे हमको देखने को मिल रहा है रेडमी 9 प्राइम, जबकि 89% पे है रेडमी नोट 9 प्रो। और अब देखना ये होगा कि माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 लास्ट के 25% चार्ज करने में कितनी देर लगाता है। तो दोस्तों जब हमने चेक किया 1 घंटे और 45 मिनट के बाद तो आप देख सकते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 82%, 94% रेडमी 9 प्राइम और रेडमी नोट 9 प्रो 94%। दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं फोन्स को चार्ज करते हुए और यहाँ पर हम देख सकते हैं 87% पे आ गया है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, सिर्फ 5% चार्ज हुआ है 15 मिनट में, 99% पे आ चुका है रेडमी 9 प्राइम, जबकि 98% पे है रेडमी नोट 9 प्रो। और फाइनली दोस्तों 2 घंटे और 4 मिनट के बाद रेडमी 9 प्राइम 100% चार्ज हो चुका है और उसी समय जब हमने चेक किया रेडमी नोट 9 प्रो को तो ये 99% पे था और इसे 100% चार्ज होने में करीब 7 मिनट और लग गए। तो 2 घंटे और 11 मिनट के बाद रेडमी नोट 9 प्रो हमें देखने मिला 100%, और इसी समय जब हमने चेक किया माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 को तो ये था 90% पर। चलिए चेक करते हैं कि दोस्तों माइक्रोमैक्स इन नोट 1 अभी 10% और चार्ज होने में कितनी देर लगाता है। मुझे लगता है कि 2.5 घंटे से ज़्यादा का यहाँ पर टाइम होने वाला है, हो सकता है कि 2 घंटे 40 मिनट भी यहाँ पर लग जाएँ। तो काफ़ी कम या फिर आप कह सकते हैं कि काफ़ी स्लो चार्जिंग हमको देखने को मिली है माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में। और दोस्तों जब हमने चेक किया 2 घंटे और 26 मिनट के बाद तो माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 99% पे आ चुका था, इसका मतलब 4 से 5 मिनट में ये 100% चार्ज हो सकता है। और जब फाइनली हमने चेक किया दोस्तों 2 घंटे और 30 मिनट के बाद तो फाइनली 100% चार्ज हो चुका है, मतलब 0 to 100% चार्ज हो चुका है 2 घंटे और 30 मिनट में। तो कुल मिलाकर माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 को जहाँ पर आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी और 18 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, वहाँ पे 0 to 100% चार्ज करने में टाइम लगेगा 2 घंटे और 30 मिनट का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा चार्जिंग सपोर्ट तो देखने को नहीं मिला है। और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं रेडमी के फ़ोन से, जैसे कि रेडमी 9 प्राइम और रेडमी नोट 9 प्रो से, वहाँ पर भी 5000 mAh का बैटरी था, 18 W का फास्ट चार्जिंग था, लेकिन वो इससे करीब 20 मिनट 25 मिनट पहले ही फुल चार्ज हो गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि माइक्रोमैक्स को इन नोट 1 में थोड़ा सा और बेहतर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली बैटरी के मामले में यहाँ पर और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। फिर चाहे हम बैटरी ड्रेन की बात कर रहे हैं, फिर चाहे हम बात कर रहे हैं चार्जिंग स्पीड की, तो वहाँ पे और ज़्यादा और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है माइक्रोमैक्स को इन नोट 1 में। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इन नोट 1 के साथ में, वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।